96 सुरक्षित सीट से निर्वाचित होकर के सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में इस सदन की शोभा बढ़ाया था। 5 वर्ष कार्यकाल पूरे होने के बाद 2022 में पुनः अपना दल के टिकट पर ये दोबारा इस सदन के सदस्य बने। श्री राहुल प्रकाश कोल बहुत ही जुझारू और अपने समाज के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले नेता थे। अध्यक्ष जी, राहुल प्रकाश कोल की लोकप्रियता केवल मिर्जापुर जनपद तक ही नहीं सीमित थी। जिस प्रकार से वो समाज के सबसे निचले तबके के हितों के लिए संघर्ष करते थे, उनकी लोकप्रियता मिर्जापुर जनपद से बाहर कई जनपदों में 5 वर्ष कार्यकाल पूरे होने के बाद 2022 में पुनः अपना दल श्री विजय बहादुर पाल कन्नौज, सत विकास संभल, विक्रमजीत मौर्य प्रयागराज, सुंदरलाल दीक्षित बाराबंकी, जयवीर सिंह काजगंज, संजीव राजा अलीगढ़, बनवारी लाल दौरे कन्नौज, श्री राम स्वरूप सिंह जी, मैं इनके प्रति भी अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से और विपक्ष के जितने भी दलीय नेता उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। माननीय नेता अपना दल, अध्यक्ष महोदय, आज हम सब लोग यहाँ पर इस सदन के सदस्य रहे राहुल प्रकाश कोल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अपने विचार रख रहे हैं। मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष के विचारों से अपने आप को संबद्ध कर रहा हूँ। मेरा छोटे भाई जैसा और इस सदन के सदस्य और उत्तर प्रदेश, आप पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल पद को भी सुशोभित किया। श्रद्धेय केशरीनाथ त्रिपाठी जी को साहित्य में गहरी रुचि थी, काव्यधारा से त्रिपाठी जी को खास लगाव था। साहित्य में गहरी रुचि की वजह से 1999 में लंदन में हुए 6वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आपने देश का प्रतिनिधित्व भी किया था। आपने 2003 में सूरीनाम में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आपने प्रतिभाग किया था। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं अपने और अपनी नेता और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अध्यक्ष जी, इसके अलावा हमारे इस सदन के कई पूर्व सदस्य भी हमारे बीच नहीं हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी नेता की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित, आपके माध्यम से उनके शोक संवेद उनके परिवार के सदस्यों को शोक संवेदना पहुंचाने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। ये कहाँ से, मेरा सबसे निवेदन है इतने गंभीर विषय के ऊपर भी आपको संयम बरतना चाहिए। कई जगह से मुझे टेलीफोन की घंटी सुनाई पड़ रही है, जो सर्वथा अनुचित है, निंदनीय भी है। मुझे आज इस बात को कहना पड़ रहा है। सब लोग अपना अपना स्वयं ध्यान रखेंगे, मेरा ये निवेदन है। माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री राहुल प्रकाश कोल, जो हमारे विधानसभा के 2 बार सदस्य रहे और वो बहुत ही अल्प आयु में हमारे बीच से चले गए, मैं अपनी ओर से, अपने नेता की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उन्हें संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारे विधानसभा अध्यक्ष 3 बार रहे माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी, मुझे और काफी इस विधानसभा के सदस्य हैं जिनको उनके साथ 1996 से लेकर 2007 तक इस विधानसभा में बैठने का मौका मिला। केशरीनाथ त्रिपाठी एक राजनीतिक ही व्यक्ति नहीं, वे विद्वान व्यक्ति थे। मैं अपनी ओर से, अपने नेता की ओर से, अपने पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जितने माननीय सदस्य
हमारे विधानसभा के जो मैं उनकी भी उनके लिए भी अपनी पार्टी और अपने नेता अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय नेता निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन माननीय अध्यक्ष जी नेता सदन हमारे पहले पूर्व में बोले हुए मान्य सदस्यों को अपनी बातों को संबद्ध करते हुए आज इस सदन को सुशोभित करने वाले दो महान हस्तियों के दुखद निधन में अपनी पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल के तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके कृतित्व पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं सदन के अध्यक्ष पद पर तीन बार आसीन रहे महान व्यक्तित्व श्रद्धे केशरी नाथ त्रिपाठी जी के पिछले महीने हुए दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। आदरणीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी एक राजनीतिक के साथ साथ विधवेता और संविधान के मर्मज्ञ थे। 1977 से 1989 के दौरान जनता पार्टी की सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री रहे। 1989, 1991, 1993, 1996 अलावा 2002 में भी वो चुन के आए थे। आपके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी सुशोभित किया। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को भी दो बार सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन किया। संविधान की मरम्मत की वजह से आपको वर्ष 1992-93 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आपको विधायिका न्यायपालिका में सौहार्द संबंध रखने वाली समिति का सदस्य नामित किया। आपने हर जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आप पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार मेघालय मिजोरम के राज्यपाल पद को भी सुशोभित किया। श्रद्धेय केशरी नाथ त्रिपाठी जी को विधवेता के साथ साथ साहित्य में गहरी रुचि थी। काव्यधारा से त्रिपाठी जी को खास लगाव था। आपके काव्य संग्रह आपकी याद सदैव दिलाएंगे। साहित्य में गहरी रुचि की वजह से 1999 में लंदन में हुए 6वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आपने देश का प्रतिनिधित्व किया। आपने 2003 में सूरीनाम में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आपने प्रतिभाग किया था। आपको भारत गौरव सम्मान, विश्व भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे कई महत्वपूर्ण सम्मानों से विभूषित किया गया था। आपके निधन से हमने कुशल राजनीतिक के साथ साथ विधवेता, संविधान विशेषज्ञ एवं साहित्यकार को खो दिया। आने वाली पीढ़ियां आपकी रचनाओं को जड़ी इनके कृतित्व को सदैव याद रखेगी। साथ ही इस सदन के सदस्य रहे राहुल प्रकाश कौल जो अपना दल से विधायक चुने गए थे अध्यक्ष जी आज हमें यह बताते हुए दुख के साथ इस सदन के पटल से अपनी बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारी पार्टी के साथ साथ आज के दिन में सभी पार्टियों के लिए उन्होंने जो अपने दिल में जगह रखा था कुछ लोकप्रिय युवा नेता आदिवासी समाज की आवाज़ जिसने आदिवासी समाज के हक एवं अधिकारों के लिए सड़क से लेकर इस विधानसभा में सदैव मुखर रहा आज वह युवा चेहरा मृदुभाषी युवा लोकप्रिय विधायक राहुल प्रकाश कौल अब हम सबके बीच में नहीं रहे। अध्यक्ष जी राहुल प्रकाश कौल आज मिर्जापुर जनपद के 96 से वह अपना दल यश के दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे। 2017 में राहुल प्रकाश कौल जी को सबसे कम उम्र का विधायक निर्वाचित का भी श्रेय मिला था। कौल समाज के एकमात्र विधायक के तौर पर राहुल प्रकाश कौल हादसे पर पड़े अपने समाज के उत्थान के लिए सदन में सदैव मुखर रहते थे। अध्यक्ष जी कैंसर जैसी घातक बीमारी की वजह से आदिवासी समाज के इस गुणहार पुत्र राहुल कौल की महज 39 साल की उम्र में हम सबसे दूर हो गए। इसकी निधन से निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल परिवार के साथ साथ हम अपनी पार्टी और अपने सभी नेताओं की तरफ से जिस समाज में आते थे वो समाज भी आज बेहद गंभीर है। उनका निधन हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं इसके साथ साथ ढेर सारे और इस नेता इस सदन के सदस्य नहीं रहे सबके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनके
शोक संपत्त परिवार को उनके संवेदना को पहुँचाने। धन्यवाद। नेता श्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, श्री जगदीश नारायण राय जी। अध्यक्ष जी, आज हम लोग बड़े दुख के साथ अपने साथी राहुल प्रकाश फूल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल, अन्य नेताओं द्वारा दिए गए उनके संवेदना के साथ अपने को जोड़ते हुए, राहुल प्रकाश कोल हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से बड़े गरीब तबके से आते थे। इनका राजनीतिक परिवार रहा है, इनके पिता भी राजनीति में हैं, हम लोग उनके साथ भी काम कर चुके हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, ये एक दुखद घड़ी है। हमारा दल शोक की घड़ी में इनके परिवार के साथ अपनी शोक संवेदना आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय केशवीनाथ त्रिपाठी जी जो इस सदन में हम लोगों के मार्गदर्शक रहे और उनके साथ भी हम लोगों को लंबे समय तक बैठने का, सुनने का, उनका प्यार काफ़ी मिला हम लोगों को। उस व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी कहना, सूर्य को दीपक दिखाना होगा। उस महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको भी अपने दल और अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे बीच हमारे पूर्व विधायक सदस्य कई लोग हमारे बीच नहीं हैं, हमारे दल की तरफ से उनको भी शोक संवेदना आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। इस दुखद घड़ी में हम सब उनके साथ। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत ही दुख का विषय है कि हम अपने सदन के एक वर्तमान साथी को और एक ऐसी महान विभूति को हमने खो दिया और उनकी शोक संवेदना के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और दलीय नेताओं द्वारा दी गई संवेदनाओं को जोड़ते हुए अपना दल विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल जी को बापू श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करती हूँ। मिर्जापुर जिले के छानबे से निर्वाचित विधायक राहुल प्रकाश कोल जी का कैंसर की बीमारी से विगत 2 फरवरी को 40 वर्ष की कम आयु में निधन हो गया। एक संघर्षशील युवा नेता का ऐसा चले जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो जनजाति समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाले ऐसे ऊर्जावान नेता थे जिनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। राहुल प्रकाश कोल का जन्म 4 अगस्त 1983 में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा LLB में की थी और कुछ समय तक वकालत भी की। राहुल कोल जी का परिवार भी राजनीति में सक्रिय रहा। राहुल कोल जी के पिता कौड़ी कोल जी सोनभद्र से अपना दल एस के सांसद हैं और पिता से प्रभावित होकर श्री राहुल प्रकाश कोल जी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। अपनी प्रभावशाली छवि के कारण उन्होंने अपना दल एस युवा मंच का अध्यक्ष भी बनाया गया। राहुल प्रकाश कोल जी की क्रिकेट में विशेष रुचि थी। क्रिकेट के साथ साथ राजनीति में भी बेहतर पारी खेलते हुए राहुल प्रकाश कोल 2 बार लगातार 96 विधानसभा सीट से विधायक बनकर सदन पहुंचे। राहुल प्रकाश कोल 2017 में अपना दल एस की सुरक्षित सीट के टिकट पर मिर्जापुर के 96 में पहली बार विधायक बनकर के आए। वो सबसे कम उम्र के विधायक उस सदन में थे। 2022 में राहुल प्रकाश कोल जी का अपना दल एस ने पुनः भरोसा जताया और जनता के भारी मतों से विजयी बनाकर जनता ने उन्हें दोबारा विधायक चुना। राहुल कोल जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र 96 को बहुत अच्छे तरीके से सजो के रखा। वे क्षेत्र के लोगों से निरंतर मुस्कुराते थे, मिलते थे और समस्याओं का समाधान भी करते थे और सदन के सभी साथियों के साथ वो हमेशा आपस में मिलजुल कर बैठ के बातें भी करते थे। जनपद मिर्जापुर में युवा विधायक के रूप में राहुल प्रकाश कोल की अपनी एक ऐसी जगह बनी है जिसकी छाप अमिट है। दिवंगत आत्मा को एक बार पुनः अपनी ओर से, अपने दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, एक अपूर्ण क्षति और सदन में हुई है।
आदरणीय केशनीनाथ त्रिपाठी जी जो कई बार इस सदन के सदस्य भी रहे और तीन बार उन्होंने अध्यक्ष पद के पद को सुशोभित भी किया। दिनांक 8/1/2023 को उनका देहांत हो गया। वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो बार वो बार के अध्यक्ष भी रहे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, उसके साथ अनेक जिम्मेदारियां उनको संगठन की भी उनके ऊपर रही। अधिवक्ता राजनीतिक के अलावा वो एक साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी, उनको कई सम्मानों से अलंकृत भी किया गया। आज मैं ये मानती हूँ कि उनके चले जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बड़ी क्षति पहुंची है। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और साथ ही कई हमारे भूतपूर्व सदस्य श्री रामचरण त्रिपाठी जी, श्री अमरनाथ यादव जी, श्री जगन्नाथ सिंह परमार जी, श्री त्रिलोकी राम जी, श्री मथुरा प्रसाद तिवारी जी, श्री ब्रजेंद्र पाल सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाल, श्री सत्य प्रकाश जी, श्री विक्रमाजीत मौर्य जी, श्री सुंदरलाल दीक्षित जी, श्री जसवीर जी, श्री संजीव राजा जी, श्री बनवारी लाल दोहरे जी और श्री राम स्वरूप सिंह जो हमारे पूर्व सदस्य थे, इनको भी मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। माननीय नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर, आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो हमसे पूर्व शोक संवेदना नेता सदन एवं नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य सभी जो दलीय नेता हैं जिन्होंने रखा है, उससे अपने आप को मैं सम्मत करता हूँ। अध्यक्ष जी, जो पिछले सत्र में जब हम लोग यहाँ बैठते थे, जो हम लोगों के सदन के हिस्सा रहे स्वर्गीय श्री राहुल प्रकाश कोल जी, इस बार हम लोग बिना उनके उपस्थिति में यहाँ बैठ रहे हैं, क्योंकि 2 फरवरी 2023 को उनका मुंबई के कैंसर अस्पताल में निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। अध्यक्ष जी, ये एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत ही अपने आप में सामाजिक कार्य करने वाले और एक राजनीतिक परिवार से आते थे। इनके पिता श्री पकौड़ीलाल कोल जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे और आज अपना दल एस से सोनभद्र से माननीय सांसद भी हैं। अध्यक्ष जी, इनके राजनीतिक परिवार का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि श्री राहुल प्रकाश कोल जी की जो धर्मपत्नी हैं, वो भी एक जिला पंचायत सदस्य हैं, सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। और इनके जो भाई हैं जय प्रकाश कोल जी, वो पटेरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं। इससे इनके लोकप्रियता का, इस परिवार के लोकप्रियता का समाज में, राजनीति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा है लोगों के बीच में। अध्यक्ष जी, क्योंकि आज हम उनके बीच हमारे नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। अध्यक्ष जी, इसी तरह से हमारे पूर्व माननीय सदस्यगण में स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी के साथ 15 अन्य माननीय पूर्व सदस्य जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनका निधन हो गया है, मैं उनके निधन के लिए भी जो हमारे पूर्व दलीय नेतागण अपनी बात रखते हैं, उसे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। अध्यक्ष जी, इसमें क्योंकि हम लोग उनके सदन का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन जैसा हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है स्वर्गीय केशवनाथ त्रिपाठी जी के बारे में, वो तीन बार इस पीठ की शोभा भी बढ़ाए हैं और तीन तीन प्रदेशों के वो महामहिम राज्यपाल भी रहे हैं। क्योंकि वो
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और चौधरी चरण सिंह, सुब्रह्म स्वामी जी का, राज नारायण जी का, एस एन बहुगुणा जी का, कल्याण सिंह जैसे दिग्गजों के ऐसे वकील, मतलब वो वकील भी रहे हैं, एडवोकेट भी रहे हैं इनके, क्योंकि वो इलेक्शन पिटीशन के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। और जब कभी भी ऐसी स्थिति आती थी तो चाहे भारत का कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, उनको एंगेज करने की कोशिश करता था। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 1977 से 1980 तक घुसी विधानसभा से वो विधायक जनता पार्टी से रहे, लेकिन 1980 में वह भाजपा ज्वाइन किए और उसके बाद मैंने सब मिलाकर के 6 बार लगभग वो विधायक भी रहे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी शोक संवेदना स्वर्गीय श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी के साथ अन्य 15 जो हमारे पूर्व सदस्य जो नहीं हैं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य श्री राहुल प्रकाश कौल जी का 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 40 वर्ष के थे। श्री राहुल प्रकाश कौल का जन्म 4 अगस्त 1983 को पटेहरा कला जिला मिर्जापुर में हुआ था। वो लॉ ग्रेजुएट थे, मृदु स्वभाव के थे, मिलनसार थे। श्री राहुल प्रकाश कौल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आए थे और दूसरी बार 2022 में वो अपना दल सोनी लाल की टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र 96 जिला मिर्जापुर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राहुल प्रकाश कौल एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राहुल प्रकाश कौल एक राजनीतिक परिवार से आते थे। उनके पिता श्री पकौड़ी लाल कौल सोनभद्र से दूसरी बार सांसद हैं। छात्र जीवन में ही वो सक्रिय राजनीति में थे। उनके एक पुत्र और 2 पुत्री हैं। पूर्व में अपना दल एस के युवा मंच के अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में विधानमंडल दल अपना दल एस के उपनेता भी थे। वह हंसमुख मिलनसार थे। श्री राहुल प्रकाश कौल के निधन से प्रदेश में कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। इस विधानसभा के पूर्व सदस्य और कई बार 3 बार इस अध्यक्ष की कुर्सी को जिन्होंने सुशोभित किया था, विभिन्न राजनीतिक दायित्वों के ऊपर जिन्होंने सहजता के साथ, मिलनसार स्वभाव के साथ सबके साथ काम करने का एक अनूठी छाप छोड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते से भी श्री केशवनाथ त्रिपाठी को जब भी फोन किया जाता था वो 24/7 अपने फोन को रिसीव किया करते थे। श्री केशवनाथ त्रिपाठी विधि के ज्ञाता थे। यहां पर जैसे भी हमारे सम्मानित नेताओं ने बताया है कि वो इलेक्शन पिटीशन के माहिर थे और कई विधाओं के माहिर थे। उनके संसदीय ज्ञान, उनके विधायी ज्ञान, उनके राजनीतिक समर्पण और ज्ञान के कारण श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी बंगाल के गवर्नर भी रहे। मेरा उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध और लगाव था। जिस कुर्सी के ऊपर आज खड़ा होकर उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूं, उस कुर्सी के ऊपर उनको मैंने इस सदन के अंतर्गत बैठे हुए सदन की चिंता करते हुए
विधायी संस्थाओं की चिंता करते हुए, विधायिका के बारे में समर्पित भाव से काम करते हुए मैंने देखा। विधानसभा में कई ऐसे अवसर आए कि उनके द्वारा कई प्रकार के नवाचार किए गए, वो प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनकी एक पहचान थी। वो हिंदी के एक प्रख्यात कवि भी थे, दुनिया भर के देशों के अंतर्गत उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदी की कविता के लिए अपने व्याख्यान दिए। सीपीए के महत्वपूर्ण अध्यक्ष होने के नाते से मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ लगभग 20 देशों में मैंने उनके साथ सफर किया था। मैंने उनको दिन और रात लिखते हुए देखा। अगर फ्लाइट 14 घंटे की 12 घंटे की होती थी तो सोते नहीं थे, लगातार काम करते थे। जिनको मैंने न कभी थकते हुए देखा ना कभी रुकते हुए देखा, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आज उस महान व्यक्तित्व के लिए इस जगह के ऊपर खड़े होकर संवेदनाएं व्यक्त करना मेरे लिए कठिन हो रहा है। ऐसे लोग जो समाज में आते हैं लेकिन एक अमिट छाप छोड़कर जाते हैं, स्नेह, प्यार, समर्पण, अपनापन की एक ताकत थी। श्री केशवनाथ त्रिपाठी के शरीर छोड़ के जाने से इस प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ, एक विधिवक्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में एक बहुत बड़ा नेता खोया। वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी इच्छाओं में बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ना सीखा था। मैं उनके प्रति हृदय से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। श्री केशवनाथ त्रिपाठी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामचरण त्रिपाठी का 7 मार्च 1997 में निधन हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। श्री रामचरण त्रिपाठी का जन्म 10 जुलाई 1932 को ग्राम दारानगर जिला प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में हुआ था। उन्हें एमए बीटी की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामचरण त्रिपाठी वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र सिराथू जिला कौशाम्बी से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रामचरण त्रिपाठी ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख, कड़ा ब्लॉक अध्यक्ष विद्यार्थी संघ तथा जनता जूनियर विद्यालय के अध्यक्ष रहे थे। सामाजिक कार्यों तथा अध्यापन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रामचरण त्रिपाठी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमरनाथ यादव का 31 मई 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 81 वर्ष के थे। श्री अमरनाथ यादव का जन्म 1 मई 1941 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर बीएड की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अमरनाथ यादव वर्ष 1979, 91 और 93 निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी उत्तर जिला वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अमरनाथ यादव श्री कल्याण सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। वो विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार वाराणसी में बंदी रहे थे। श्री अमरनाथ यादव भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर के महामंत्री, अंतर विद्यालय खेलकूद संघ वाराणसी के मंत्री एवं कोषाध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश प्राचार्य परिषद वाराणसी के मंत्री भी रहे। शिक्षा, नगर विकास के कार्यों तथा जनसंपर्क में उनकी विशेष रुचि थी। श्यामराज यादव के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगन्नाथ सिंह परमार का 29 सितंबर 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। श्री जगन्नाथ सिंह परमार का जन्म 10 जुलाई 1934 को
ग्राम लामा जिला बांदा में हुआ था, उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जगन्नाथ सिंह परमार वर्ष 1974 में जनसंघ के टिकट पर 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र तिंदवारी जिला बांदा से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री जगन्नाथ सिंह परमार एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। अध्ययन, खेलों एवं समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जगन्नाथ सिंह परमार के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री त्रिलोकी राम का 9 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 75 वर्ष के थे। श्री त्रिलोकी राम का जन्म 19 जनवरी 1948 को ग्राम नसीरपुर जिला महामाया नगर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा की थी। श्री त्रिलोकी राम वर्ष 2012 में निर्वाचन क्षेत्र इगलास जिला अलीगढ़ से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री त्रिलोकी राम विधानसभा की अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधित संयुक्त समिति के सदस्य रहे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री त्रिलोकी राम के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बथुरा प्रसाद तिवारी 17 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 76 वर्ष के थे। श्री मथुरा प्रसाद तिवारी का जन्म 3 नवंबर 1946 को ग्राम शेरपुर उछाहपाली जिला फैजाबाद में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मथुरा प्रसाद तिवारी वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र मिल्कीपुर जिला अयोध्या फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री मथुरा प्रसाद तिवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विस्तारक, अखिल भारतीय युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य एवं कोषाध्यक्ष रहे थे। सामाजिक कार्यों एवं स्वाध्याय में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मथुरा प्रसाद तिवारी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ब्रजेंद्र पाल सिंह का 25 नवंबर 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 75 वर्ष के थे। श्री ब्रजेंद्र पाल सिंह का जन्म 10 जनवरी 1948 को फरीदपुर खुशहाल जिला मुरादाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री ब्रजेंद्र पाल सिंह वर्ष 1985 में कांग्रेस आई, वर्ष 1991 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1996 में समाजवादी पार्टी से निर्वाचन क्षेत्र बहजोई जिला संबल तत्कालीन जिला मुरादाबाद से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो 7वीं विधानसभा के सदस्य भी, मैं क्षमा चाहता हूँ, 7वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री ब्रजेंद्र पाल सिंह श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य व कांग्रेस पार्टी के मंडलीय सचिव तक रहे। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार मुरादाबाद में बंदी रहे। श्री ब्रजेंद्र पाल सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री ब्रजेंद्र पाल सिंह के निधन से उत्तर प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विजय बहादुर पाल का 6 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री विजय बहादुर पाल का जन्म 31 जनवरी 1941 को ग्राम शिवारा जिला औरैया में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विजय बहादुर पाल वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र उर्मदा तथा वर्ष 2012 में निर्वाचन क्षेत्र तिरवा जिला कन्नौज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री विजय बहादुर पाल श्री अखिलेश यादव मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वो जिला पंचायत सदस्य फरखाबाद कन्नौज ब्लॉक प्रमुख हरेसन कन्नौज भी रहे थे। श्री विजय बहादुर पाल विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार मैनपुरी फतेहगढ़ और फरखाबाद में बंदी रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री विजय बहादुर पाल के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सत्य प्रकाश का 13 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 70 वर्ष के थे। श्री सत्य प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1953 को सौंधौन जिला संबल में हुआ था। उन्होंने स्नातक LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सत्य प्रकाश वर्ष 1993 में निर्वाचन से संबल जिला संबल तत्कालीन जिला मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सत्य प्रकाश एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे।
समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सत्य प्रकाश के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विक्रमाजीत मौर्य का 16 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 64 वर्ष के थे। श्री विक्रमाजीत मौर्य का जन्म 1 फरवरी 1959 को फर्जिलाबाद जिला प्रयागराज तत्कालीन अलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातक LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विक्रमाजीत मौर्य वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर से जनता दल, 1996 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 2017 में निर्वाचन क्षेत्र फाफा और जिला प्रयागराज इलाहाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री विक्रमाजीत मौर्य श्री कल्याण सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधानसभा की पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति तथा कार्य मंत्रण समिति के सदस्य रहे। वे जन आंदोलन के अंतर्गत नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में भी बंदी रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। श्री विक्रमाजीत मौर्य के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुंदर राज दीक्षित का 14 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 78 वर्ष के थे। श्री सुंदर लाल दीक्षित का जन्म 15 मई 1945 को दौलतपुर मजरे जिला बाराबंकी में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुंदरलाल दीक्षित वर्ष 1977 में निर्दलीय, 1989-1993 में भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचन क्षेत्र हैदरगढ़ जिला बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। श्री सुंदरलाल दीक्षित विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य रहे। वो विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार बाराबंकी एवं फैजाबाद में बंदी रहे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा की विशेष रुचि थी। श्री सुंदरलाल दीक्षित ने के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जसवीर सिंह का 23 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 82 वर्ष के थे। श्री जसवीर सिंह का जन्म वर्ष 1941 में हुआ था। उन्होंने MA LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जसवीर सिंह वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र पटियाली जिला कासगंज तत्कालीन जिला एटा से जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री जसवीर सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। वो अपने जनपद की कई शैक्षिक संस्थाओं से संबद्ध थे। शिक्षा एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जसवीर सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। श्री उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य संजीव राय का 11 फरवरी 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 62 वर्ष के थे। श्री संजीव राजा का जन्म 1 फरवरी 1961 को वजीरगंज जिला बदायूं में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री संजीव राजा वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ़ जिला अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री संजीव राजा विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार अलीगढ़ बंदी रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री एवं अलीगढ़ महानगर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री संजीव राजा 2022 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सके। उनकी पत्नी श्रीमती मुक्ता राजा वो 2022 में विधानसभा के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अलीगढ़ से चुनी गई। वो हमारे विधानसभा के वर्तमान सदस्य हैं। मैं उनको प्रति हृदय से पूरे सदन की ओर से, क्योंकि वर्तमान हमारी विधानसभा के सदस्य हैं, उनके पति श्री संजीव राजा के ना रहने पर मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से उनके प्रति विशेष संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। श्री संजीव राजा के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बनवारी लाल दोहरे का 15 फरवरी 2023 को निधन हो गया।
वो लगभग 70 वर्ष के थे। श्री बनवारी लाल दोहरे का जन्म 1 जुलाई 1953 को ग्राम दलेपुरा जिला फरखाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातक LLB की शिक्षा ग्रहण करी थी। श्री बनवारी लाल दोहरे 1991, 1993 वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज, जिला कन्नौज, तत्कालीन जिला फरखाबाद के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बनवारी लाल दोहरे अभी वर्तमान में विधान परिषद के भी सदस्य थे, सिटिंग मेंबर थे वो विधान परिषद के। 2022 में विधान परिषद के वर्तमान में सदस्य थे। श्री बनवारी लाल दोहरे विधानसभा के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधित संयुक्त समिति के सदस्य थे। वे डॉक्टर अम्बेडकर प्रचार समिति के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी फरखाबाद के जिलाध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा एवं अध्ययन उनकी विशेष रुचि थी। श्री बनवारी लाल दोहरे जी के साथ मेरे को लंबे समय से काम करने का अवसर मिला। 1991 में मैं और वो दोनों पहली बार जीतकर विधानसभा में आए थे। उसके बाद वो लगातार 1993 और 1996 में विधानसभा के सदस्य रहे। मृदुभाषी समाज और संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में श्री बनवारी लाल दोहरे के न रहने से पार्टी ने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज ने समाज से भी खो दिया है। श्री बनवारी लाल दोहरे के निधन से प्रदेश के कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खोया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य रामस्वरूप सिंह का 18 फरवरी 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 87 वर्ष के थे। श्री रामस्वरूप सिंह का जन्म 19 अगस्त 1936 को रमाबाई नगर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामस्वरूप सिंह वर्ष 2022 में बहुजन समाज पार्टी तथा वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सरवनखेड़ा जिला कानपुर देहात तथा वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर रनिया जिला कानपुर देहात तत्कालीन जिला रमाबाई नगर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रामस्वरूप सिंह, श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। समाज सेवा राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रामस्वरूप सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। श्री राहुल प्रकाश कौल जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री केशनाथ त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और इस आसन को पर कई बार बैठे तथा उन सभी माननीय पूर्व सदस्यगण जिनके बारे में मैंने यहाँ पर अभी बताया है। पूर्व सदस्य निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से कामना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त